खेल खेल में सीखते जाओ, जीनियस तुम बन के दिखाओ। खेल खेल में सीखते जाओ, जीनियस तुम बन के दिखाओ। खेल खेल में सीखते जाओ, जीनियस तुम बन के दिखाओ। पेंसिल कलर ब्रश उठाओ, साथ ब्रेड केचप ले आओ। इंग्लिश साइंस मैथ्स या आर्ट, इससे हम बनेंगे स्मार्ट। खेल खेल में सीखते जाओ, जीनियस तुम बन के दिखाओ। ब्रश बॉक्स अपना क्रिएटिव बनाओ, फिर दोस्तों में चाहे जाओ। कुछ सीखने की हो जो तैयारी, कर लो तुम उससे यारी। छुपी है इसमें सफंकारी, नेशनल कैचअप फैक्ट्री हमारी। भूख और सीखने की मिटाओ मजबूरी, नेशनल कैचअप जरूरी, नेशनल कैचअप जरूरी। Ashif, there's nothing like music. I love music. We all love music. सोचो अगर music ना होता इस दुनिया में, life would be so boring. Exactly. मुझे तो हर चीज में music सुनाई देती है. हर चीज में music नहीं सुनाई देता. सुनाई देता है. Haven't you ever heard वो river में पानी flow हो रहा है, या jug में से glass में पानी जा रहा है? बस वो music है. वो साउंड होता है, हम म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो म्यूजिक तो साउंड ही है, राइट? अगर आप साउंड को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करें, यू गॉट म्यूजिक। व्हेन यू गोइंग टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग और बाहर बर्ड्स की आवाज आ रही है, देयर चिरपिंग, वो तो आवाज ही होती है, राइट? दैट्स म्यूजिक। चलो बर्ड्स भी अब गा रही हैं गाने। यस, दैट्स आल्सो म्यूजिक। एवरीथिंग इज म्यूजिक। वो जमीन पे जो आवाजें आ रही हैं, जंगल्स, माउंटेन्स, हर चीज में म्यूजिक ही है। What? Wow, I'm impressed. एक मिनट, जैसे तुम कह रही हो, इसमें तो चिकन्स के भी म्यूजिक होगा। चिकन्स? What? कैसे? They have drumsticks. Bum bum ba. Good one. अहमद, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं किचन में जा रहा हूँ। और आज मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। अहमद, तुम्हें पता है अशर को कुछ हो गया है, इसे ना म्यूजिक नजर आ रहा है हर जगह। नजर नहीं आ रहा, सुनाई दे रहा। यार वही बात है ना, वही तो कह रही हूँ मैं। और आज तो अशर को खाने में भी म्यूजिक सुनाई देगा। या व्हाट? वो कैसे? क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं पियानो सैंडविच। वाओ, साउंड्स एपेटाइजिंग। ये कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें ब्रेड लेनी होगी। अशर, कैन यू पास मी द प्लेट? थैंक यू। हमें ब्रेड को इस शेप में काटना होगा। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी गोना मेक अ मिक्सर ऑफ नेशनल केचप एंड नेशनल मेयोनीज। हाउ मेनी स्पून्स आर यू गोना पुट? टू स्पून्स। नोया, कैन यू मिक्स इट फॉर मी? मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट पेपर डाल सकती हूँ? हाँ, फॉर श्योर। हाउ मच आर यू पुटिंग, नोया? जस्ट अ पिंच। अब मेरी सॉस रेडी हो गई है। नाइस। कैन आई हेल्प यू? यस। सो व्हाट नेक्स्ट? वी गॉट टू पुट लेटस। स्टेप 3, अब हम चिकन डालेंगे। हम इसमें चीज ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर पिकल्स डालेंगे। ये लो। डन विद द पिकल्स। अब हम इसके अंदर ब्रेड स्ट्रिप्स डालेंगे जो हमने पहले से काट के रखे थे। वाओ, इट्स कमिंग टुगेदर। इट लुक्स लाइक अ पियानो। अब जब मैं बीट टू रखूंगा तो और भी ज्यादा पियानो जैसा लगेगा। रियली? कैन वी हेल्प? या, दिस विल बी सुपर टेस्टी। मैं तो अपने लंच बॉक्स में ये जरूर लेके जाऊंगी। आई कांट वेट टू ईट दिस। It's Quiz time! Let's call our friends! Minahil, Ryan, Faris, come on! You two, my team. Ryan and Ahmed, you're my team. 1, 2, 3, go! We're gonna win this, I know it. We guys are going to beat you. We'll see about that. Team Noya and Team Ashir, are you guys ready? Yes, we are ready! Question number 1. पाकिस्तान के किसी फेमस म्यूजिक बैंड का नाम बताओ। टीम अशर।
Junoon. Correct answer. Yes! Question number two. How many pieces of wood does it take to make a wire? Team Noya. 70. Correct answer. Question number three. Name any famous female singer in Pakistan. Team Ashen. Momina Mustahsan. Correct answer. Question number four. Eyesight ya memory? में से कौन सी चीज म्यूजिक से इंप्रूव होती है? टीम नोया. मेमोरी. करेक्ट आंसर. म्यूजिक से मेमोरी इंप्रूव होती है. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी नोट्स आर देयर इन म्यूजिक? टीम नोया. 7. करेक्ट आंसर. यस. क्वेश्चन नंबर 6. नेम अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दैट बिगिंस विद एफ. टीम अशर. फ्लूट. करेक्ट आंसर. यस. Question number 7. Xylophone ki spelling bataein. Team Ashir. Z-Y-L-O-P-H-O-N-E. Wrong answer. No! The correct spelling is X-Y-L-O-P-H-O-N-E. Xylophone. Question number 8. Ek standard guitar mein kitni strings hoti hain? Team Noya. Standard guitar mein 6 hoti hain. Correct answer. एक स्टैंडर्ड गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं. क्वेश्चन नंबर 9. नेम एनी टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर प्लेड विद द माउथ. टीम अशर. फ्लूट एंड ट्यूबा. करेक्ट आंसर. यस. क्वेश्चन नंबर 10. नेम एनी फेमस 5 सिंगर्स फ्रॉम पाकिस्तान. टीम नोया. आतिफ असलम, अली जफर, दानियल जफर, आयमा बेग एंड साहिर अली बका. Correct answer. Yes. And the winning team is Team Noya. Yes. Team Noya, you can have your gifts from the magic draw. You guys don't know all about music. Of course we do. तो फिर तुम लोग ये बताओ. Which music are balloons afraid of? I know the answer. You can just give it. I just don't want to give it. Pop music. I get that. Balloons pop. अच्छा तो वैसे while we're talking about music, तुम कौन से instruments बजाते हो all of you? मैं guitar, ukulele और piano बजाती हूँ. Wow, talented. तुम? ना फिर. मुझे xylophone बजाने का बहुत शौक है. मगर मेरे पास है नहीं. Idea. चलो हम लोग आज xylophone बनाते हैं. क्या तुम्हें xylophone बनाने आता है? जी हाँ. Let's go. Then let's go. Step 1. हम लोग को 6 glasses चाहिए होंगे. फिर step 2. हम लोग को इनमें पानी डालना होगा but not equal, क्योंकि अगर हम लोग equal डालेंगे तो फिर आवाज़ सेम आएगी. हम लोग को अलग अलग अमाउंट डालना होगा ताकि आवाज़ हम लोग में डिफरेंट आए. अशर कैन यू प्लीज डू दिस? ओह थैंक यू. स्टेप 3. हम लोग को इनमें कलर्स डाल लेंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो आप लोग अपने पसंदीदा कलर्स उठा के उसमें डालना शुरू करें. अब हमारा xylophone तैयार है, अब बजाना शुरू कर देते. कैन ट्राई दिस. थैंक यू. यू वेलकम. दिस इज सो कूल. थैंक यू. तुम लोग ने तो xylophone बना लिया, बट मेरे पास एक साउंड और म्यूजिक की गेम है. फॉलो मी. फारिस, मिनाहिल, तुम मेरी टीम में हो. माय टीम. लेट्स गो. मैं अपनी टीम से वहां जाऊंगी, फिर एक कार्ड उठाऊंगी, फिर मैं देखूंगी इस कार्ड को, फिर मैं नीचे रखूंगी और फिर मैं उसकी साउंड करूंगी. और अगर मेरी टीम ने उस साउंड को गेस कर लिया तो उनके पास एक पॉइंट. रेडी गाइस? Yes, let's go. पहले मैं वहाँ आती. रूम रूम बाइक. रूम 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 पोस्ट कार. टिक 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 टिक. रूम रूम. रक्षा 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 रक्षा. यस. अहमद, लेट्स डू दिस. Ready, Amit?
go. That's you. A donkey? Yes, donkey. Okay, Menahis, now you go. Parkour. Kangaroo. Goat. Goat. G-O-A-T. Let's go. Oh my God, how are you going to do that? Honeybee. Yes. Come on, Faris. Come on. It's not hard, right? It's very hard. Duck. Peacock. Chicken. That's the wrong answer. You guys have lost 1 point. Thank you, Faris. You're very welcome. Pencil. Fire. Bijli. Yes. Let's go. Yes. Yes. We win. Yeah, we win. Okay, that was a really fun game. Yes. Lekin, I have a question for all of you. तुम्हें पता है कि ancient times में लोग music कैसे बनाते थे और कौन से instruments इस्तेमाल करते थे? उसी तरह बांसों से जैसे हम बना रहे थे. Yes. उसके अलावा ड्रम्स और क्लैप्स भी इस्तेमाल करते थे वो मगर इतने एंशियंट टाइम में लोगों पर ड्रम कैसे आते थे वेल आई कैन गिव यू दैट आंसर बट फॉर दिस हमें एक्टिविटी एरिया पे जाना होगा कम लेट्स गो ओके बिकॉज दिस इज वेरी इजी गाइस डू इट एट होम हमें सबसे पहले पाइप क्लीनर्स चाहिए होंगी बलून्स गूगली आईज ग्लू पेपर सीजर्स rubber bands and finally straws hame jar bhi chahiye hoga so that we can actually make our drum so step 1 hum apna jar lenge aur uska cover utar ke side pe rakh lenge kyunki hame ye chahiye nahi hoga step 2 hum apna pasandeeda color ka balloon lenge aur usko kaatenge can you pull this away thank you iski tip se kaatna hai so that aise aaye uske baad हम इसको स्ट्रेच करेंगे ओवर आर ओपन जार ऑलरेडी दिस इज कमिंग टुगेदर ओके इस स्टेप के बाद हम अपना रबर बैंड लेंगे और इसको सिक्योर करेंगे इन पोजिशन अब इसको डेकोरेट करेंगे जो हमारे पास कलर्ड पेपर्स थे उसके कटआउट्स मैंने निकाले हैं लाइक दिस आप डेकोरेट कर लें जैसे भी आपको करना है बट मैं इस पे गूगली आईज दिखाऊंगा Can you please put glue on this, Noya? Now our drum is now made. अभी हमें सिर्फ एक चीज करना है उसके ड्रम स्टिक्स बनाने हैं इसके लिए हमें अपने स्ट्रॉज लेने होंगे और पाइप क्लीनर्स पहले आप अपना स्ट्रॉ लें और जो कर्वी पार्ट है उसको स्ट्रेट करें फिर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दैट पार्ट आप अपना पाइप क्लीनर राउंड राउंड घुमाते जाएं जब तक आपका पाइप क्लीनर फिनिश हो जाए मैं तो अपने को डेकोरेट करूंगा दैट्स व्हाई आई विल यूज डिफरेंट कलर्ड पाइप क्लीनर्स लाइक दिस ये एक ड्रम स्टिक बन गया सो फाइनली योर ड्रम इज रेडी टू प्ले यू वांट टू ट्राई दिस सो लाउड एंड कूल ऐसे ही एंशियंट टाइम्स में लोग ड्रम्स बनाते थे वो लेदर बैरल्स के ऊपर स्ट्रेच करके उसको स्टिक करके प्ले कर लेते थे सो गाइस आज मजा आया यस बहुत ज्यादा ओके ऑडियंस एट होम मेक श्योर आप ट्राई कीजिएगा हमारा पियानो सैंडविच हमारा ड्रम और ज़ाइलोफोन क्योंकि ये बहुत आसानी से बनाई जा सकती हैं फॉर नाउ वी हैव टू से बाय बाय बट नेक्स्ट टाइम सी यू ऑन नेशनल केचप फैक्ट्री और सीखने की मिटाओ मजबूरी नेशनल कैचअप जरूरी नेशनल कैचअप जरूरी